करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर। गाइस हम पहुंच चुके हैं स्मृति वन। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया रहेंगे। तो हम अभी है स्मृति भवन में। स्मृति भवन इज बेसिकली जो भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसके उनको आदरांजलि देने के लिए ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया। ये म्यूजियम भी है एंड दर्शन शो। एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है व्हाट इट इज़, मतलब अंदर क्या है, बट विल जस्ट एंटर। हमारी एंट्री है 7:45 को। वंस वी एंटर इनसाइड फिर मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो इट इज रियली ब्यूटीफुल। कि जो अर्थक्वेक आया था उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे और उन्हीं लोगों को स्मृति अर्पण करने के लिए स्मृति भवन बनाया गया। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था, समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मेंटल और कोर बनने लगी। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से ही परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है, कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराई जिससे पेंशिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंशिया के और टुकड़े होते गए जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही।
दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे। बस यहीं पे रुक जाइए। उन रोड्स को दिखाए, समुद्र में आप जितने भी व्हाइट लाइन देख रहे वो सारे ही जल मार्ग है, और ऊपर जितने भी व्हाइट लाइन है वो सारे ही जमीन मार्ग दिखाए। उस वक्त जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, उनकी कुछ रेप्लिका आपको दिखाइए। साथ में जो नंबर है इसकी डिटेल आप बोर्ड के माध्यम से देख पाएंगे। ज़्यादातर व्यापार लोथल से हुआ करता था। साइक्लोन मॉडल देखो, वॉशिंग मशीन में ऐसी होती है। वही कर रहा है मानसून। दो मिनट वो धीरे-धीरे वो देखा ऊपर फ्लेमिंगोस। फ्लेमिंगोस नहीं, पेलिकन है। हाईली इंटरेक्टिव। करोड़ों साल पहले कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी, और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की नहीं था, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद, एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया। कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें तबाही की सूचना देता, धरती का कंपन, क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत, एक विशाल प्राकृतिक आपदा। इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गई, अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए, और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे।
नई दिल्ली में एससीएलसी की बैठक हुई। इस हादसे की वास्तविक स्थिति की जानकारी दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। लगभग 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। भुज में लगभग 6,356 और अंजार में लगभग 1,771 घर। अर्थक्वेक आया था तो जो वाइब्रेशन जो हुई थी जो लोगों ने महसूस की अभी हमको वही लोग महसूस करने वाले हैं।
मैंने बहुत जगह पे ये स्मृति वन है इसका नाम, मैंने स्मृति भवन बोला है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जहाँ जहाँ मैं स्मृति भवन बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए वो स्मृति वन है। सो गाइस स्मृति भवन से हम निकल रहे हैं अभी। मैंने जो दिखाया आपको ये बस एक छोटी सी झलक है, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया। अगर इसको आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको भुज आना पड़ेगा, और अगर आप भुज आते हो तो ये आपको ज़रूर देखना है। इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि जितने लोग इस विपदा में मरे उनके लिए एक स्मृति है ये, और उनके लिए एक श्रद्धांजलि है ये। तो चलो इसी के साथ मैं ये वाला पर्टिकुलर वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।